हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे रेडमी 9i की, कि आपको इस फ़ोन में किस तरीके आपके जो ऐप हैं उनको हाइड करना है और उनको किस तरीके से अनहाइड करना है। तो दोस्तों, सिंपल सिंपल से स्टेप हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, और फॉलो करने के बाद आप इनका मज़ा उठा पाएंगे। तो गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो फ़ोन की सेटिंग है उस पर आ जाना है, और यहाँ आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको ऐप्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है ऐप लॉक, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ टर्न ऑन का नीचे जो कि ऑप्शन है वो देखेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का जो कि इंटरफेस है वो दिखाई दे जाएगा। तो वैसे यहाँ पर आपको जो सिंपली पैटर्न यहाँ पर शो करा रहा है, तो आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ से पिन डाल सकते हैं और अपना पासवर्ड भी डाल सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगता हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं पैटर्न पे डाल के आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपको ऐप को हाइड करना है। नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ आपको ये साइन इन करने के लिए बोलता है। अगर आप साइन इन करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से नोट नाउ पर क्लिक कर दीजिए। फेस लगाना है फेस लगा लीजिए, नहीं तो यहाँ से भी आप उसको कैंसिल कर दीजिए। तो जैसे कि मेरे यहाँ पर तीन जो ऐप हैं उन पर सेलेक्ट हो चुका है, तो मैं इनको बंद करता हूँ। ये मेरा ऐप लॉक है, मुझे हाइड करनी है, तो मुझे क्या करना है, हिडन ऐप पर क्लिक कर लेना है ऊपर की तरफ। और यहाँ पर जैसे कि मुझे जेली ऐप जो कि है हाइड करना है, अमेज़न हाइड करना है, फेसबुक को हाइड करना है, और एक दो में और जो और ऐप हैं वो ले लेता हूँ जो कि मैं हाइड करके आपको दिखाने वाला हूँ। इनको हाइड करने के बाद आपको इनको प्रोसेस कैसे करना है, इनको यूज़ कैसे करना है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने चार ऐप हैं उनको सेलेक्ट कर, पाँच ऐप हैं जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिए। इनको सेलेक्ट करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन पर आने के बाद आपको कुछ टू फिंगर्स से कुछ पिंच इन करना है कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि आपका जो पैटर्न डाला था आपने वो डाल लेना है यहाँ पे। तो जैसे कि गाइस, मैंने पांच एप्लीकेशन जो कि हाइड की थी वो इस तरीके से हमारे आ जाएंगे, तो इसको यहाँ से आप यूज़ कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, मैनेज हिडन पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। आने के बाद आप और भी सेलेक्ट कर सकते हैं इनको, और इनको यहीं से बंद भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से इस फ़ोन में ऐपों को हाइड करना है। तो पूरी जानकारी शायद इस वीडियो में आपको मिली गई होगी। अगर दोस्तों आपको मिल गई होगी जानकारी पूरी तरीके से, तो आप हमारे इस वीडियो को समझ में आ गया हो तो लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, आपको समझ नहीं आया हो ये वीडियो, तो हमारे इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब।